Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. Kavita Gupta. This is my infinite series chapter. इसका बच्चों आज ये लेक्चर नंबर 10 है जिसमें मैं आपको कॉशीज एनथ रूट टेस्ट निकाल बताऊंगी कि क्या होता है और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है बेटा, जैसे रेशो टेस्ट वगैरह हैं. इससे पहले मैं वो सब करा चुकी हूँ, रेशो टेस्ट, रेबीज टेस्ट, लॉगरिथमिक, गॉस टेस्ट. आज करेंगे कॉशीज एनथ रूट टेस्ट. बहुत आसान है और बहुत ही ईजी भी, बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट भी है. ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं स्टार्ट. बच्चा देखो, सबसे पहले मीनिंग समझना है कि व्हाट इज कॉशीज एनथ रूट टेस्ट. तो देखो बेटा, लेट सिग्मा यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. अभी तक भी जितने टेस्ट आपको कराए हैं, रेशो टेस्ट कराया, रेबीज, लॉगरिथमिक, गॉस टेस्ट, सब के सब पॉजिटिव टर्म सीरीज पे लग रहे थे. ये टेस्ट भी आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज का ही टेस्ट है. ठीक है, मीनिंग इज कि हर सीरीज के अंदर सारी टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए. ठीक है, सच दैट लिमिटेंड टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन वन बाय एन इक्वल टू एल. देखो, जब रेशो लिमिट थी तो रेशो टेस्ट था, तो हमने यहाँ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन किया था. अब रूट टेस्ट है, रूट है और एनथ रूट है, तो हम क्या करेंगे, यू एन का एनथ रूट ले लेंगे. एनथ रूट का मतलब वन बाय एन पावर. जब हम बोलते हैं स्क्वायर रूट तो पावर होती है वन बाय टू, क्यूब रूट बोलते हैं तो पावर होती है वन बाय थ्री, एनथ रूट है तो पावर हो गई वन बाय एन. ठीक है, तो इसकी लिमिट निकालेंगे. सपोज कर लीजिए लिमिट कुछ भी निकल कर आ गई, से एल. ठीक है, फिर आगे क्या होगा, अगर एल लेस देन वन है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी. बेटा ध्यान देना है यहाँ पे आपको कि इससे पहले मैंने जितने भी टेस्ट आपको कराए हैं, रेशो लिमिट, गॉस टेस्ट, आपका लॉगरिथमिक, इन सब में ग्रेटर देन वन पर सीरीज आपकी कन्वर्ज करती थी. सिर्फ एक रूट टेस्ट अकेला ऐसा टेस्ट है जहां लिमिट लेस देन वन आने पे सीरीज कन्वर्ज करती है. ठीक है, एंड एल ग्रेटर देन वन आने पे सीरीज आपकी डाइवर्ज करेगी. और एल इक्वल टू वन पे हमेशा ही टेस्ट आपका फेल होता है हर जगह पे, तो यहाँ पे भी टेस्ट आपका फेल हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द मेन थिंग. मैंने इसीलिए सबसे लास्ट में रूट टेस्ट कराया है कि इससे पहले सब जगह पर ग्रेटर देन वन पे सीरीज कन्वर्ज करती थी. दिस इज द ओनली टेस्ट, रूट टेस्ट अकेला ऐसा टेस्ट है जहाँ पे एल लेस देन वन होने पे सीरीज कन्वर्ज करती है और ग्रेटर देन वन पे सीरीज डाइवर्ज करती है. तो याद रखना, रूट टेस्ट का कंक्लूजन अपोजिट है रेशो टेस्ट से. ठीक है बच्चे, अब क्वेश्चन देखो इसके अंदर, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. बेटा हमें कैसे पता चलता है कि इस क्वेश्चन में हम रूट टेस्ट लगा सकते हैं. अच्छा, कॉशीज एनथ रूट टेस्ट को सिंपली रूट टेस्ट भी बोल देते हैं. ठीक है, सिर्फ रूट टेस्ट बोलोगे तब भी यही मीनिंग होगा. जनरली बेटा यू एन जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो ना, उसमें देखा करो, अगर पावर में एन की टर्म दिखाई दे रही है ना, तो हमारे को रूट टेस्ट से फायदा हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ रूट टेस्ट से ही हो सकता है, ये किसी और से भी हो सकता था, कंपेरिजन टेस्ट से भी हो सकता था. ठीक है, तो हमने पर हमारे लिए हमेशा ही रूट टेस्ट जो होता है यूजफुल टेस्ट होता है और आसानी से लग जाता है. तो इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका यही है कि जो भी आपका यू एन है उसमें देखा करो, अगर पावर में एन आ रहा हो ना, तो रूट टेस्ट आराम से लग जाता है. ठीक है, तो मैंने पहले बेटा यू एन उतार लिया, यू एन इक्वल टू लॉग एन माइनस वन टू माइनस टू एन पावर आ गई. इसको मैंने पॉजिटिव पावर बना के लिख लिया. आपको पता है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाओ या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाओ तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये पॉजिटिव पावर बन गई. मुझे क्या चाहिए था, रूट टेस्ट की रिक्वायरमेंट थी एनथ रूट निकालना है यू एन का, तो यू एन की पावर वन बाय एन क्या हो जाएगा, वन बाय लॉग एन टू एन है, इसकी पावर वन बाय एन हुआ. तो हमने वन बाय एन से इसकी पावर को मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व किया, तो मेरे पास क्या आया, ये देखो वन बाय लॉग एन स्क्वायर आ गया. अब मुझे इसकी क्या चाहिए बेटा, लिमिट चाहिए, तो मैंने इसकी लिमिट निकाली, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन वन बाय एन. जब इसकी लिमिट निकाली तो बेटा इन्फिनिटी डाला, तो लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है आपका. ठीक है ना, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी रह गया, वन अपॉन इन्फिनिटी क्या बना आपका, जी. तो मेरी लिमिट कितनी निकल कर आ गई बच्चों, जीरो निकल आई. फिर आप लिमिट देखिए, लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है. अब मैंने देखा कि मेरी लिमिट आ रही है जीरो, जो कि लेस देन वन है. अगर लिमिट लेस देन वन होती है तो रूट टेस्ट क्या बोलता है आपको, कि सिग्मा यू एन कन्वर्ज करेगा. तो हमें पता चला कि इस क्वेश्चन में सिग्मा यू एन जो है आपका कन्वर्ज करेगा. बच्चों आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे से लिया करो, मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लिया करो, और उसके बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया करो और फिर अपना आंसर मैच किया करो. ठीक है बेटे, तो जैसे अब ये मैंने बनाया, इसका इसको सुन लीजिए पहले, ये वाला क्वेश्चन है, पहले इसका सुन लीजिए एक्सप्लेनेशन क्या है, फिर उसके बाद वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर लो. ठीक है, दो तीन क्वेश्चन ऐसे कीजिए, फिर उसके बाद पहले खुद ट्राई करना और बाद में मेरा देखना. ठीक है बच्चों, तो देखो अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आपने देखा सिग्मा के साथ मेरी ये एन की टर्म लिखी है,
तो क्वेश्चन में जब भी एन वाली फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो तो इसका मतलब वो यू एन गिवन है, तो मैंने पहले यू एन उतार लिया, ठीक है, जो भी मुझे यू एन गिवन था मैंने उसको उतार लिया, ठीक है ना। अब इसको देखो मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहती हूँ, एन स्क्वायर दोनों की पावर दिख रही है तो मैंने एन स्क्वायर पावर इकट्ठी बाहर निकाल ली, अंदर बच गया मेरा एन अपॉन एन प्लस वन। अब मैं बेटा इसकी यू एन वन, क्योंकि मुझे पावर में फिर से एन एन की टर्म दिखाई दे रही है तो मुझे लग रहा है कि रूट टेस्ट लगाया जा सकता है, तो मैं लगा के देख रही हूँ रूट टेस्ट लग रहा है कि नहीं, तो मैंने यू एन वन बाय एन को कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन थी यू एन की, इसके अंदर पावर के अंदर वन बाय एन मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो पावर में एन स्क्वायर बाय एन हो गया, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एन आ जाएगा, तो आपके पास ये चीज़ आ गया। अब आपको पता है कि एन अपॉन एन प्लस वन है, ठीक है, हाईएस्ट पावर दोनों तरफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एन की कितनी है, वन है, तो आप एन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर टर्म को डिवाइड कर दीजिए, तो न्यूमरेटर में डिवाइड करोगे तो एन बाय एन वन आ गया, इधर एन को डिवाइड करोगे तो एन बाय एन वन आ गया, और इधर वन को डिवाइड करोगे तो एन आ जाएगा, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी वन प्लस वन बाय एन टू दी पावर एन, ठीक है। अब मुझे क्या लेना है बेटा, इसकी लिमिट लेनी है, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मैंने क्या लिख लिया, यू एन वन बाय एन को कंसिडर किया। अब यू एन वन बाय एन मेरा क्या था, ये वाली टर्म है वन प्लस वन बाय एन टू दी पावर एन, मैंने इसको लिख लिया। अब इसकी लिमिट स्टैंडर्ड लिमिट है बेटा, आप सबको मैंने कहा था ये लिमिट याद कर लो, हमने कितनी बार इस चैप्टर में क्वेश्चन में यूज़ भी करी है ये लिमिट, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन प्लस वन बाय एन टू दी पावर एन कितना होता है, ई होता है, तो मेरा ऊपर आपको पता है लिमिट ऑफ क्वोशेंट इज क्वोशेंट ऑफ लिमिट, तो न्यूमरेटर में तो बन ही रह जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, डिनोमिनेटर में लिमिट ली तो आपका ई आ गया। अब देखो बेटा आपको ये देखना है कि ये 1 बाय ई जो है लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि उसी से मेरे को पता चलेगा सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो बेटा एक तरीका तो ये है देखने का कि ई की वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, ठीक है, तो 1 अपॉन 2.71 निकाल लो कैलकुलेटर से क्या रहा है, आपको उससे पता चल जाएगा लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। दूसरा देखो तरीका, ई क्या होता है, इट इज़ अ नंबर लाइन बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है, मैंने इन्हें सारी जगह पे रेसिप्रोकल ले लिया, तो देखो 2 का बन गया 1 बाय 2, ई का बन गया 1 बाय ई, और 3 का बन जाएगा 1 बाय 3 जब आप रेसिप्रोकल लेंगे, और मैंने बताया हुआ है कि रेसिप्रोकल जब भी लेते हैं तो लेस का साइन ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है और ग्रेटर का लेस में, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, लेस को मैं ले गई ग्रेटर के अंदर, ठीक है, इसको रीअरेंज करके लिख लिया हमने इस फॉर्म में। अब आप देख सकते हो 1 बाय 2 आपका लेस देन 1 है, तो इसका मतलब 1 बाय ई जो है आपका वो लेस देन 1 आ गया, ठीक है ना, लेस देन 1 नंबर आ गया आपके पास, तो मैंने लिख दिया यू एन 1 बाय एन की जो लिमिट आ रही है वो मेरी क्या आ रही है, लेस देन 1 आ रही है, ठीक है बच्चों। जब ये लिमिट लेस देन 1 आती है तो हमारा रूट टेस्ट हमें क्या कहता है, सिग्मा यू एन कन्वर्जेस। तो बेटा अगर लिमिट लेस देन 1 आ गई तो हमने लिख दिया सीरीज कन्वर्ज कर रही है, अगर ग्रेटर देन आ जाता तो हम लिख देते सीरीज डाइवर्ज कर रही है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस फॉर्म में है, सिग्मा एन 1 बाय एन माइनस 1 अपॉन एन। तो पहले तो हमने यही देखा कि क्वेश्चन में एन की फॉर्म में है तो इसका मतलब मुझे यू एन तो मिला हुआ है, तो मैंने यू एन उतार लिया, ठीक है, पहले यू एन आ गया, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में पावर एन है, यू एन की पावर अगर एन हो तो हमेशा रूट टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं हम, क्योंकि पावर वह 1 बाय एन ही लेनी होती है, तो आपने पावर 1 बाय एन ली, पावर के अंदर 1 बाय एन मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, ये कट गया, मेरे पास इतनी टर्म बच गई एन 1 बाय एन माइनस 1। अब क्या करोगे, लिमिट लोगे दोनों तरफ, आप लीजिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन 1 बाय एन, तो आपने जब इसकी लिमिट ली तो क्या आएगा, देखो बेटा ये भी मैंने बताया था एक स्टैंडर्ड लिमिट है कि एन 1 बाय एन की लिमिट 1 होती है व्हेन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैं समझा भी देती हूँ कैसे होती है, एक बार इसको लिख लेते हैं पहले देखो लिमिट एन की पावर 1 बाय एन माइनस 1 है, डिफरेंस ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ डिफरेंस इज डिफरेंस ऑफ लिमिट, तो एन 1 बाय एन की लिमिट आ गई 1 माइनस कॉन्स्टेंट है 1, 1 माइनस 1 आ गया आपके पास 0, तो अगर यू एन 1 बाय एन की लिमिट आपकी 0 आ गई विच इज लेस देन 1, तो कॉशी जेनेथ रूट टेस्ट से सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी। मैं आपको एक बार इस साइड में बता देती हूँ कि ये एन 1 बाय एन की लिमिट जो है 1 क्यों आती है, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, वैसे ये भी आप लर्न कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो बेटा जब आपने एन को इन्फिनिटी डाला तो यहाँ पे आ गया इन्फिनिटी और पावर में क्या आ गया 1 अपॉन इन्फिनिटी यानी कि 0, तो इन्फिनिटी की पावर 0 आ गई, तो ये क्या होती है मेरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इसके लिए बेटा एल हॉस्पिटल्स रूल लगा ले हम, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल्स रूल आपको क्या कहता है, देखो पहले मैंने इसको उतार लिया क्वेश्चन को, यहाँ पे वाई इक्वल टू एन 1 बाय एन कर लिया, दोनों तरफ आपने लॉग ले लिया, जब लॉग लेते हैं तो पावर बाहर पावर जो होती है बाहर आ जाती है, तो 1 बाय एन लॉग एन बच गया, इसको मैं लिख सकती हूँ ना लॉग एन बाय एन, तो मैंने इसको रीअरेंज करके लॉग एन बाय एन लिख लिया। अब दोनों साइड आप लिमिट ले लो, ठीक है, जब आपने लिमिट ली दोनों साइड लिमिट वर्ड लगा दिया,
अब आपको पता है कि लिमिट और लॉग जो होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। लिमिट से लॉग बाहर आ जाता है, तो मैंने लॉग को बाहर कर दिया और लिमिट को अंदर कर दिया, ठीक है। और इधर क्या किया, हमने लिमिट लेने की कोशिश करी राइट साइड के ऊपर, तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एन बाय एन है। देखो एन को इन्फिनिटी डालो, क्या बना, लॉग इन्फिनिटी बन गया, विच इज़ इन्फिनिटी। और नीचे एन को इन्फिनिटी डालोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये कौन सी फॉर्म बन गई मेरी, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, विच इज अगेन अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। तो इसके लिए बेटा एल हॉपिटल्स रूल वाला चैप्टर पढ़ जरूर लेना, उससे आपको लिमिट निकालनी आ जाएगी, ठीक है। तो आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। आपको पता है कि अगर मेरे पास जीरो बाय जीरो फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो मैं एल हॉपिटल्स रूल लगा सकती हूँ। तो क्योंकि मेरे पास यहाँ पे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ गया तो मैंने एल हॉपिटल्स रूल लगाया। कैसे लगता है एल हॉपिटल्स, कि ऊपर न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो बेटा और डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट कर दो। और वो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे, जिस पर आप लिमिट निकाल रहे हो। मैं लिमिट किस पे निकाल रही हूँ, एन पर। तो विद रिस्पेक्ट टू एन डिफरेंशिएट करिए न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग। क्वेश्चन रूल नहीं लगाना बेटा, पूरे नंबर को डिफरेंशिएट नहीं करना, न्यूमरेटर अलग डिफरेंशिएट होगा, डिनोमिनेटर अलग डिफरेंशिएट होगा। तो देखो लॉग एन का डिफरेंशिएशन होता है वन बाय एन, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर वन बाय एन। और डिनोमिनेटर में एन लिखा हुआ है, इसका एन का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एन तो आ जाएगा वन, ठीक है। अब इस पे लिमिट लो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बच्चों जहां मेरी पेंसिल होती है ना वहां देखा करो, मैं वहां एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर एन को इन्फिनिटी डालिए, तो एन को इन्फिनिटी डालेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन इन्फिनिटी। वन अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है मेरा, जीरो। तो मेरी लिमिट आ गई जीरो यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया जीरो। अब मुझे तो लिमिट निकालनी थी सिर्फ वाई की, तो ये जो लॉग है इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी इक्वल टू के दूसरी साइड। आपको पता है लॉग जब इक्वल टू के दूसरी साइड जाता है तो वो क्या बन जाता है, ई टू दी पावर। तो मेरा बन गया ई टू दी पावर जीरो। ई टू दी पावर जीरो कितना होता है, वन। और वाई मेरा क्या था, मैंने क्या सपोज किया हुआ था, एन वन बाय एन। तो मेरी लिमिट कितनी निकल कर आ गई इसकी, वन, ठीक है बच्चों। तो ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट है, एग्जाम में सॉल्व करना हो तो सॉल्व कर देना, क्वेश्चन की वेटेज देख लेना, अच्छा है सॉल्व कर दो क्वेश्चन में, ज़्यादा लंबा है भी नहीं। तो ये पर याद भी रखिए इसको कि ये लिमिट वन होती है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दूंगी ताकि कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस लिए हैं, कुछ एग्जामिनेशन पेपर से लिए हुए, जितनी इंजीनियरिंग की किताबें हैं, ऑनर्स की बुक्स होती हैं, स्टैट्स ऑनर्स मैथ्स ऑनर्स, सबसे क्वेश्चंस लेके आपको करा रही हूँ। चलिए बेटा ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, वन प्लस वन बाय रूट एन टू दी पावर दस वन, ठीक है। अब फिर से आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन एन की फॉर्म में है, इसका मतलब मुझे यू एन गिवन, तो मैंने पहले यू एन नीचे उतार लिया, ठीक है। अब आपको फिर से दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में पावर जो है एन की फॉर्म में, अगर क्वेश्चन में पावर यू एन के अंदर पावर हो एन की फॉर्म में तो हमेशा कॉशीज एनथ रूट टेस्ट फायदेमंद होता है। तो यू एन वन बाय एन लगा दिया आपने, तो क्या आ जाएगा, माइनस एन की पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय एन आ गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करिए, आपको पता है बेस सेम हो और नंबर माइनस डिवाइड हो रहा हो तो माइनस हो जाती है पावर, तो थ्री बाय टू माइनस वन आ जाएगा। तो थ्री बाय टू माइनस वन कितना होता है, हाफ होता है। तो आपको वन प्लस वन बाय रूट एन माइनस एन की पावर आ गई आपके पास हाफ, ठीक है यहाँ पर। तो यू एन वन बाय एन की लिमिट आप निकालोगे तो आप इसकी लिमिट निकाल रहे हो, सीधा सब्सटीट्यूशन ही आप कर रहे हो। मैं नीचे ले गई हूँ इस टर्म को बेटा, ताकि ये पॉजिटिव पावर हो जाए, तो मैं डिनोमिनेटर में ले गई ताकि पावर मेरी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब एन वन बाय टू को आई कैन राइट एज रूट एन, तो मैंने लिख दिया रूट एन। तो अब आप देखो ये लिमिट मेरी कैसे निकलेगी, तो देखो मैं यहाँ लिमिट समझा देती हूँ, ये उसी फॉर्म का आ गया वन प्लस वन बाय एन टू दी पावर एन फॉर्म, ठीक है ना। बट अब इसको इसी फॉर्म में लाने के लिए हम थोड़ी सब्सटीट्यूशन कर लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने रूट एन को एम मान लिया, ठीक है ना, रूट एन को एम माना। अब आपको क्या निकालनी है, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो डालिए एन को इसमें इन्फिनिटी डालूंगी तो एम किस पे चला जाएगा, वो भी इन्फिनिटी पे, क्योंकि रूट ऑफ इन्फिनिटी इज ऑल्सो इन्फिनिटी। तो आपका एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बन गया। अब ये पूरा जो है ना जिसकी लिमिट निकालनी है, जहाँ मेरी पेंसिल है, इसको एम में कन्वर्ट कर लो। देखो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की जगह आ गया एम अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। और नीचे देखो डिनोमिनेटर में वन बाय रूट एन है, रूट एन की जगह आ गया एम, और रूट एन ऊपर न्यूमरेटर में लिखा है ये भी आ गया एम, तो वन प्लस वन बाय एम टू दी पावर एम आ गया, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ना ये किस फॉर्म का आ गया, वन प्लस वन बाय एन टू दी पावर एन, तो ये लिमिट कितनी होती है ई, तो मेरा वन अपॉन ई आ गया यहाँ से लिमिट, ठीक है। तो अब मेरी इसका मतलब यू एन वन बाय एन जो टर्म मेरी थी एनथ रूट वाली टर्म थी, उसकी जो लिमिट है वन बाय ई आ गया। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि वन बाय ई आपका लेस देन वन होता है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो कि ये कैसे लेस देन वन है, तो देखो इधर वन बाय ई है, वन बाय ई इज वन बाय टू पॉइंट सेवन वन समथिंग,
ठीक है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, आपका लेस देन वन नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी रूट टेस्ट से सीरीज जो है कन्वर्ज हो गई। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? तो मुझे पता, जब भी लिमिट लेस देन वन आएगी तो रूट टेस्ट से सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया हुआ है 2² / 1² - 2/1 और पावर है -1। फिर 3 की टर्म आ गई, फिर 4 आ गया। आप ये ध्यान से देखें कि क्वेश्चन में एन नहीं है, तो पहले तो मुझे nth टर्म लिखनी है जनरलाइज करके। ठीक है, तो ध्यान से देखो बेटा, यू एन लिखते हैं पहले। तो इधर ध्यान दीजिए, पावर है पहले -1, सेकेंड वाली टर्म की पावर है -2, थर्ड वाली टर्म की पावर है -3। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे पावर चलती जा रही है, तो nth टर्म की पावर कितनी होगी? -n हो जाएगी। ठीक है, अब मेरा ये n फिक्स हो गया। आप इधर ध्यान दीजिए, अब अगर पावर 1 है, -1 या 1 जो भी कुछ देख रहे हो आप, तो यहाँ पर पहली टर्म 2 होती है। ठीक है, ऐसे ही इधर देखो, अगर पावर -2 है तो जो पहली टर्म है वो 3 है, अगर पावर 3 है तो पहली टर्म 4 है, मतलब एक ज़्यादा है। तो अगर मेरी पावर यहाँ पे n है तो पहली टर्म n+1 होगी। ठीक है बच्चे, तो मैंने पहली टर्म लिख ली n+1। अब आपको दिख रहा है, जो 2 है तो 2 का स्क्वायर है, 3 है तो क्यूब है, 4 है तो 4 है, मतलब जो नंबर है उसको वही पावर भी बना रखा है, तो मैंने ऊपर लिख दिया n+1। ठीक है बच्चों, अब नीचे डिनोमिनेटर में देखो, अगर ऊपर 2² है तो नीचे 1² है, यहाँ पे देखो 3³ है तो नीचे 2³ है, इधर 4 की पावर 4 है तो नीचे 3 की पावर 4 है, मतलब एक नंबर कम है। तो अगर n+1 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा n। ठीक है, n+1 से एक नंबर कम करेंगे तो n आ जाएगा, और पावर दोनों की सेम है। ठीक है ना, तो ऊपर n+1 पावर है तो नीचे भी n+1 पावर है। माइनस देखो, अब देखो इधर, अगर इधर 2² / 1² है तो इधर सिर्फ 2 और 1 है, इधर 3³ / 2³ है तो इधर सिर्फ 3 और 2 है, इधर 4 की पावर 4 और 3 की पावर 4 है तो इधर 4/3, मतलब बिना पावर का नंबर इधर लिखा हुआ है। तो हमने भी n+1/n से पावर हटा दी और उस नंबर को इधर लिख दिया। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बेटा आप un बना सकते हैं, जनरलाइज करना होता है टर्म्स को देख के। ठीक है, तो मैंने un बना लिया। जब मुझे un मिल गया तो मैंने क्या देखा कि पावर में फिर से अब की बारी मेरे पास क्या आ गया है, n आ गया है। तो अगर पावर में n आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपको पता कि पावर में n आता है तो nth रूट टेस्ट फायदेमंद होता है हमारे लिए। तो हमने क्या किया बच्चे, un की पावर 1/n रेस करी, तो इसका मतलब -n/n हो गया आपके पास, रेस करा तो हमने यहाँ पे, तो ये क्या मिला हमें सॉल्व करके, -1 आ गई पावर, तो हमने लिख दी पावर यहाँ पे -1। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसकी लिमिट निकालनी है, तो थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं इसको। देखो इधर है n+1 / n की पावर n+1 और इधर अकेली टर्म है n+1/n, तो मैं कॉमन निकाल सकती हूँ n+1/n, तो मैंने इन दोनों में से n+1/n को कॉमन निकाला। अब इधर देखो, एक पावर कॉमन आ गई तो कितनी पावर बच गई, n पावर बच गई, तो n+1/n^n, और इधर से एक ही पावर थी वो कॉमन निकल गई तो 1 बच गया, तो मेरे पास ये टर्म आ गई। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करूँगी, इस -1 को दोनों के साथ अलग अलग ले लो। देखो आपको पता है ना कि एक्सपोनेंट का रूल है, एक्सपोनेंट का रूल क्या है, ए बी की पावर अगर एम हो तो आप उसको ए एम बी एम फॉर्म कर सकते हो ना। तो मेरा इस समय ये ए है और दूसरी वाली ब्रैकेट बी है, और पावर क्या है -1, तो दोनों के साथ अलग अलग पावर ले ली मैंने। ठीक है, तो मेरी आ जाएगी ये वाली टर्म, इसके साथ भी पावर आ गई, इसके साथ भी आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो आप सबको पता है n+1/n कैन बी रिटन एज 1+1/n। ठीक है, और तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ भी लिख दिया, दोनों तरफ n+1/n को मैंने 1+1/n फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने दोनों तरफ लिमिट ले ली। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ली मैंने राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी। आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दो टर्म्स मेरी मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों की अलग अलग मैंने लिमिट ले ली। ठीक है, मैंने जब दोनों की अलग अलग लिमिट ली है, आपको पता है कि इसको मैं नीचे ले जा सकती हूँ तो पावर पॉजिटिव हो जाती है, मैं पावर पॉजिटिव बना ली डिनोमिनेटर में ले जाके दोनों टर्म्स को। ठीक है, अब आपको पता है 1+1/n की पावर n की लिमिट होती है इसके अंदर पावर n हो तो e है, वरना n को इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ 0 हो गया, तो 1+0 1 आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो पहली वाली टर्म है इसकी लिमिट तो आ जाएगी 1, और जो दूसरी वाली लिमिट है इसमें क्योंकि 1+1/n की पावर n दे रखी है तो लिमिट बन गई e। ठीक है, तो e -1 आ गई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब आप इसको सॉल्व करके लिखा तो मेरा आ गया 1/(e-1)। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये नंबर 1 से छोटा होगा या बड़ा होगा, तो आप बड़े आराम से देख सकते हो। देखो e की वैल्यू होती है 2.718, तो e -1 के हो गया तो 1.718 आ गया,
वन अपॉन करोगे तो आपकी ये वैल्यू आ रही है 0.58 विच इज़ लेस देन वन। ठीक है, तो मेरी ये लिमिट आ गई लेस देन वन। अगर आपकी लिमिट लेस देन वन आती है तो सीरीज आपकी कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो मेरी रूट टेस्ट से सीरीज जो है कन्वर्ज कर गई क्योंकि मेरी लिमिट लेस देन वन आई थी। ठीक है बेटा, चलो और देखते हैं क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस करा देती हूँ, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो 1/2 + 2/3x, अब फिर से क्वेश्चन के अंदर देखो आप कि आपको n की टर्म कोई नहीं गिवन, कोई n की टर्म गिवन नहीं है, इसका मतलब un मुझे खुद लिखना है। ठीक है, दूसरी बात मेरा क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो एक बार देखते हैं। पहले वैसे हमने सीखा हुआ है कि x की फॉर्म में क्वेश्चन हो तो रूट टेस्ट, रेबीज टेस्ट, इनसे हमें फ़ायदा होता है, तो हम देख लेते हैं हमें जिससे फ़ायदा होगा हम वो लगा लेंगे। हो सकता है क्वेश्चन रूट टेस्ट से भी सॉल्व हो जाए, हो सकता है क्वेश्चन रेशियो टेस्ट से भी सॉल्व हो जाए, तो आपके माइंड में जो पहले स्ट्राइक करे आप वो लगा लेना। ठीक है बेटा, तो पहले तो यू एन ही लिखें। देखो इधर एक्स की टर्म देखा करो, सबसे पहले वहां से जनरलाइज किया करो। यहाँ पे देखो एक्स की पावर वन, फिर एक्स की पावर टू, फिर एक्स की पावर थ्री। तो अगर मैं ये पहली टर्म को लीव कर दूं, इस पहली टर्म को इग्नोर कर दें और इसको फर्स्ट टर्म मान लें हम 2/3x को, तो एक्स की पावर वन, फिर एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, तो ऐसे ही nth टर्म क्या हो जाएगी, एक्स की पावर एन हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि सीरीज के अंदर अगर हम शुरू की कुछ टर्म्स को काट दें, हटा भी दें, तो सीरीज की कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने फर्स्ट टर्म को इग्नोर कर दिया ताकि मैं आराम से इसको जनरलाइज कर सकूं। ठीक है बेटा, अब देखो अगर x की पावर 2 होती है तो पूरी ब्रैकेट की पावर 2 है, अगर x की पावर 3 है तो ये पूरी ब्रैकेट की पावर 3 है, तो हमने अंदर जो पावर बनानी है वो n बनानी है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है ये देखो, अगर पावर 2 होती है तो ब्रैकेट में लिखा है 3 न्यूमरेटर में, पावर 3 होती है तो न्यूमरेटर में ब्रैकेट में लिखा है 4, मतलब एक नंबर ज़्यादा। ठीक है, तो इधर n है तो अंदर क्या आ जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा। दूसरा देखो बेटा, अगर ऊपर 3 है तो नीचे 4 है, ऊपर 4 है तो नीचे 5 है, तो अगर ऊपर n प्लस 1 है तो नीचे क्या आ जाएगा, n प्लस 2, एक नंबर ज़्यादा। ठीक है, तो n प्लस 1 में 1 ऐड कर दिया तो आ गया n प्लस 2, तो बेटा मेरा ये un निकल कर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब देखो un, आप क्वेश्चन आपका x की फॉर्म में ज़रूर है, मन कर रहा है हमारा रेशो टेस्ट लगा सकते हैं, बट मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पावर में n है, हर एक टर्म की पावर में n दिखाई दे रहा है, तो मेरे को रूट टेस्ट से भी फ़ायदा हो सकता है, तो मैंने रूट टेस्ट लगा के देखा। जब रूट टेस्ट लगाया तो पावर 1/n से मल्टीप्लाई करनी होती है, तो 1/n से दोनों की पावर मल्टीप्लाई कर दी, इसको सॉल्व किया तो मेरे पास ये टर्म आ गई। ठीक है, अब मैं इसकी लिमिट आराम से निकाल सकती हूँ, तो मैंने इसकी लिमिट निकाली ये वाली टर्म की। तो आपको सबको पता है रैशनल फंक्शन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है, तो हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया हमने, तो इसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया, n न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हर टर्म को n से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब n की इन्फिनिटी लिमिट लो तो 1/∞ कितना होता है 0, तो 1+0 और इधर भी आ गया 1+0, तो ये कितनी आ गई मेरी लिमिट, x निकल कर आ गई। ठीक है ना, यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ गया, x आ गया। तो अब रूट टेस्ट मुझे क्या कहता है, सिग्मा un कन्वर्ज करता है अगर लिमिट लेस देन 1 है, मेरी लिमिट आ रही है x, तो मैंने क्या डाल दिया कि अगर x लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी। ठीक है, सीरीज डाइवर्ज करती है अगर लिमिट ग्रेटर देन 1 है, लिमिट मतलब x, तो x ग्रेटर देन 1 पे सीरीज डाइवर्ज करेगी, तो हमारी सिग्मा un डाइवर्ज कर गई। ठीक है बच्चों, और टेस्ट फेल हो जाता है जब आपका x इक्वल टू 1 है, तो टेस्ट फेल हो गया जब x इक्वल टू 1 है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए एट x इक्वल टू 1 आपका आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे un क्या होगा, कैसे मिलेगा, देखो ये जो मेरी un वाली एक्सप्रेशन मैंने ऊपर बनाई थी इसमें x को 1 डाल दो। देखो इधर ये मेरी un वाली एक्सप्रेशन है ना, इसमें x को 1 डाल दीजिए तो मेरे को un पता चल जाएगा x इक्वल टू 1 पे क्या होता है, तो मेरी सिर्फ इतनी टर्म बच जाएगी जहां मेरी पेंसिल है ये n वाली टर्म। ठीक है, तो मैंने un निकाल लिया एट x इक्वल टू 1। अब देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो मेरे पास ये आ गया, तो मैं एक बारी क्या कर रही हूँ, पहले इसी की लिमिट, मैंने बताया हुआ है कि सीरीज की पहले लिमिट निकाल के देख लिया करो, अगर वो लिमिट नॉन जीरो आ जाए तो वहीं पे nth टर्म डाइवर्जेंस टेस्ट लग जाता है। ठीक है ना, तो हम पहले तो इसकी लिमिट ही निकाल कर देख लेते हैं। तो हमने इसकी लिमिट निकाली, आपको पता है लिमिट निकालने के लिए आपको इसको 1+1/n और 1+2/n करना पड़ेगा ना, हर टर्म को n से डिवाइड कर दिया। तो देखो बेटा ऊपर न्यूमरेटर की लिमिट हो गई e, और नीचे डिनोमिनेटर में देखो 1+1/n होता तो लिमिट आपकी e आती, पर यहाँ पर है 1+2/n की पावर n, तो इसकी लिमिट होती है बेटा e स्क्वायर। कैसे होती है मैं अभी साइड में दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, तो इसको जब हमने पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो मेरी लिमिट आ गई e अपॉन e स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/e। अब आप देख रहे हो कि मैंने nth टर्म की लिमिट निकाली और वो जीरो
नहीं आई, nth टर्म की बेटा नेसेसरी कंडीशन है, जो सबसे पहला लेक्चर कराया इनफाइनाइट सीरीज का, उसमें मैंने कराया था nth टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंट सीरीज, कि अगर आपकी लिमिट जीरो नहीं आ रही तो आप श्योरली कह सकते हैं कि सीरीज डाइवर्जेंट है। अगर लिमिट जीरो आती तो हम कुछ नहीं कह सकते थे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, फिर हमें कोई टेस्ट लगा के देखना पड़ता। ठीक है, तो मुझे पता चला nth टर्म ऑफ डाइवर्जेंट सीरीज से कि सीरीज मेरी डाइवर्ज कर रही है जब x इक्वल टू वन है। ठीक है, लो साइड में आपको ये समझा दूं जरा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2/n की पावर n जो है e स्क्वायर कैसे है। देखो बेटा, अगर यहाँ 2 की जगह 1 होता तो मेरी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाती, मुझे पता था कि लिमिट e है। तो जो चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रही हो ना, उसी की कोई सब्सटीट्यूशन कर लो। तो मैंने n को क्या किया, 2m कर लिया, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए। अब देखो बेटा, मुझे निकालनी है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो अगर आप इसमें n इक्वल टू 2m में n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी डालोगे तो m कहाँ चला जाएगा, वो भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा। क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लीजिए m पर, तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की जगह आ गया लिमिट m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n की जगह मैंने डाला 2m, तो 2 से 2 कट गया और इधर पावर में n की जगह आ गया 2m, तो ये आ गया 1 + 1/m की पावर 2m। ठीक है, अब मैंने इस 2m के अंदर क्या किया, m को अंदर कर लिया और 2 को मैंने बाहर कर लिया, तो 1 + 1/m^2 की लिमिट क्या होती है, e होती है। और आपको पता है कि पावर जो होती है लिमिट के ऊपर लग जाती है पूरी, ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो हो रहा है एक तरीके से, दो बार ही लिखी हुई है टर्म, तो प्रोडक्ट ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ प्रोडक्ट है, तो आपका क्या आ जाएगा, e स्क्वायर आ जाएगी लिमिट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें पता चलता है कि लिमिट इसकी e स्क्वायर है। क्लियर, तो बेटा लास्ट में हमने कंक्लूजन लिख दिया, हमने देखा था ऊपर की सीरीज हमारी कन्वर्ज कर रही थी जब लिमिट लेस देन वन थी, और डाइवर्ज कर रही थी जब लिमिट ग्रेटर देन वन थी, और इक्वालिटी साइन पे मेरा डाइवर्जेंट निकला था nth टर्म डाइवर्जेंट टेस्ट से, तो मैंने उसके लिए यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दिया डाइवर्जेंट। ठीक है बच्चों, सो इट इज सच अ गुड क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था इसमें, एक्स का क्वेश्चन है क्योंकि nth टर्म टेस्ट भी लग रहा था, रूट टेस्ट भी लग रहा था, लिमिट भी निकालनी पड़ेगी आपको अच्छे से, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 7th क्वेश्चन आपको ये गिवन है। आपने देखा क्वेश्चन के अंदर n की टर्म दिखाई दे रही है, इट मींस दैट un इज गिवन टू अस, तो मैंने un उतार लिया बेटा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ठीक करके लिखते हैं, इतने सारे नेगेटिव साइन दिखाई दे रहे हैं, हम इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। तो हमने पहले पावर के अंदर नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाला तो अंदर बच गया n प्लस माइनस 1 टू द पावर n। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल ले लिया, नीचे ले गए डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर से। ठीक है ना, आपको पता है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाओ तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो मेरा पावर का साइन चेंज हो गया। अब आप देखो क्वेश्चन में पावर में आपको एन एन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, एन दिखाई दे रहा, तो हमारा को फिर मन में आया कि रूट टेस्ट ही लगा लेते हैं, तो हमने यू एन 1/n लगाया, तो 1/2 दिस पावर एन 1/n से मल्टीप्लाई हो गई, मैंने खोल के अलग अलग पावर अंदर दोनों टर्म के साथ ले ली, तो n बाय एन तो 1 दे देगा और यहाँ आ जाएगा -1 to the power n/n। ठीक है, अब आपको पता है बेस सेम हो, आपका पावर ऐड हो रही है तो आप उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, मैंने रूल लगाया पावर मल्टीप्लीकेशन का, एक्सपोनेंट का रूल लगा लिया। अब इसकी लिमिट लो, यही लेनी होती है मुझे un 1/n की लिमिट, तो मैंने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un 1/n की लिमिट ली। तो बेटा देखो 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, इस पे तो लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट का फर्क उस पे पड़ेगा जिसके पास n की टर्म है, तो मैंने उसको अंदर कर लिया। ठीक है, अब देखो बेटा आपकी एक माइनस, अब आपने इन्फिनिटी की लिमिट, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है, तो देखो बेटा -1 to the power n/n क्या होता है, एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आपका जीरो होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। वैसे भी आप देखो इन्फिनिटी डालोगे तो 1/∞ आपका जीरो होता है, जीरो को फिर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं या पॉजिटिव से रहता तो वो जीरो, तो लिमिट कितनी होती है जीरो। तो जब आपने यहाँ लिमिट लगाई तो क्या आ गया मेरे पास, 2 की पावर 0 आ गई। ठीक है ना, 2 की पावर 0 क्या होता है 1, तो मेरी लिमिट आ गई यहाँ पे 1, तो 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो लिमिट आ जाएगी 1/2, तो मेरे पूरा आंसर की लिमिट कितनी आ गई, लेस देन 1। अगर लेस देन 1 आता है तो रूट टेस्ट क्या बोलता है, लिमिट लेस देन 1 पे सीरीज कन्वर्ज करती है, तो मेरा सिग्मा un जो है कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाइए, नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8th में देखो क्या गिवन है आपको, n क्यूब की टर्म, क्वेश्चन फिर से n की फॉर्म में है तो un गिवन है, तो मैंने un उतार लिया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे फिर से दिखाई दे रहा है कि 3 की पावर n है, और तो मैं इसके अंदर nth रूट टेस्ट लगा सकती हूँ, तो मैंने un 1/n लगाया,
तो दोनों के ऊपर वन बाय एन मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी पावर में। तो एन थ्री बाय एन को मैं क्या लिख सकती हूँ, एन वन बाय एन और थ्री बाहर कर दिया, ठीक है। और नीचे क्या बन जाएगा, एन बाय एन कट के थ्री वन आ जाएगा, तो थ्री बन गया, ठीक है। अब आप इसकी लिमिट ले लो, तो आपने इसकी लिमिट ले ली, तो एन वन बाय एन की लिमिट कितनी है, वन होती है। अभी ऊपर सिखाया था ना आपको, पूरा लॉपिटल्स रूल से पूरा इवेलुएट करना सिखाया था, और बताया भी था कि ये लर्न कर लो लिमिट, क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट्स लर्न कर लो तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। बाकी मैंने करके भी दिखाया आपको, तो इसकी लिमिट वन आ गई, तो वन क्यूब बाय थ्री कितना आ गया, वन बाय थ्री। तो फिर से लिमिट आपकी लेस देन वन आ गई, तो अगर लिमिट लेस देन वन है तो सीरीज मेरी कन्वर्ज करती है रूट टेस्ट से, तो मेरी सीरीज कन्वर्ज कर रही है रूट टेस्ट से, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन फैक्टोरियल बाय एन टू द पावर एन, फिर से यू एन आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एन की फॉर्म थी, तो यू एन के ऊपर वन बाय एन पावर लगाई आपने, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में एन की पावर एन दिख रहा है, तो मुझे पता चल रहा है कि मैं वन बाय एन वाला रूट टेस्ट यूज कर सकती हूँ, तो मैंने पावर वन बाय एन लगा ली, ठीक है। अब देखो बेटा, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है, ये भी मैंने आपको लर्न करनी सिखाई है। देखो इधर, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, एन की पावर एन हो और नीचे डिनोमिनेटर में एन फैक्टोरियल हो और पावर वन बाय एन हो तो ई होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बेटा आपको लर्न करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, क्वेश्चन में यूज़ होती हैं, अगर इसका प्रूफ करोगे तो बहुत लंबा है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स लर्न कर लो यहाँ पे, ठीक। तो ये सिक्वेंसिस के चैप्टर में कराया भी हुआ है कि ये लिमिट ई कैसे आती है, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा मेरा, अब ये तो उल्टा लिखा हुआ है ना, एन फैक्टोरियल ऊपर है, एन टू दी पावर एन नीचे है, तो लिमिट क्या आएगी, रेसिप्रोकल होके आएगी, तो वन बाय ई लिमिट आ गई। वन बाय ई हम देख चुके हैं कि लेस देन वन होता है, तो सीरीज मेरी कन्वर्ज कर जाएगी बाय रूट टेस्ट, ठीक है बच्चों। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेंथ क्वेश्चन। ये आपको फिर से क्वेश्चन एन की फॉर्म में गिवन है, तो मैंने उतार लिया क्वेश्चन यहाँ पे एन की फॉर्म में, ठीक है। अब यू एन को वन बाय एन पावर ले लेते हैं, क्योंकि हर टर्म के साथ वन बाय एन लगा हुआ है, तो मैंने इसके साथ पावर में वन बाय एन लगा दिया। अब वन बाय एन है और यहाँ पे दो टर्म न्यूमरेटर में दिख रही है और एक टर्म डिनोमिनेटर में, हर टर्म के साथ वन बाय एन अलग अलग ले लो, ठीक है। तो मैंने हर टर्म के साथ पावर में वन बाय एन मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास सॉल्व होके ये आ जाएगा, ये वाला स्टेप, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर में एन वन प्लस वन बाय एन है, तो इसको अलग अलग लिख सकती हूँ एक्सपोनेंट का रूल लगा के, तो एन डॉट एन वन बाय एन आ गया। अब लिमिट लो, आराम से लिमिट आएगी निकल कर आपकी, ठीक है। तो मेरे पास यू एन वन बाय एन ये निकल कर आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसकी लिमिट लो, तो देखो x पे तो लिमिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इस n प्लस वन के साथ मैंने ये डिनोमिनेटर वाला n ले लिया, ठीक है, और n वन बाय एन को अलग कर दिया, क्योंकि इसकी लिमिट मुझे मालूम है। अब देखो इस n प्लस वन बाय एन को मैं लिख सकती हूँ वन प्लस वन बाय एन, ठीक है ना, और n वन बाय एन वाली टर्म मैंने अलग कर ली, प्रोडक्ट ऑफ लिमिट, लिमिट ऑफ प्रोडक्ट होता है, दोनों के साथ अलग अलग लिमिट ले लिया। अब लिमिट निकाल लो बेटा, इसकी लिमिट वन आ जाएगी, एन वन बाय एन की लिमिट आपको पता ही है वन होती है, अभी ऊपर कितनी बार यूज कर चुके हैं, तो हमने मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया एक्स। तो इससे मुझे पता चला कि बाय रूट टेस्ट सीरीज कब कन्वर्ज करती है, जब लिमिट आपकी लेस देन वन है, तो मेरी लिमिट क्या आ गई है एक्स, तो मैंने एक्स लेस देन वन पे सीरीज कन्वर्ज करेगी, और लिमिट डाइवर्ज करेगी जब आपकी सीरीज डाइवर्ज करेगी जब लिमिट ग्रेटर देन वन है, तो मेरा ग्रेटर देन वन पे मैंने लिख दिया सिग्मा यू एन डाइवर्जेस, ठीक है। और मेरा टेस्ट कब फेल होता है, जब एक्स इक्वल टू वन होता है, तो मैंने एक्स इक्वल टू वन पे अब कुछ और सोचना पड़ेगा, लेस देन वन और ग्रेटर देन वन का तो मुझे मिल गया आंसर, तो मैं आ गई हूँ अब x इक्वल टू वन पे, ठीक है बच्चे। तो x इक्वल टू वन पे हमने क्या किया, जो हमारी ऊपर की un की एक्सप्रेशन थी, हमने उसमें x को वन डाल दिया, ठीक है। तो मेरा ये un आ गया निकल कर, क्लियर है। तो अब इसको फिर से वही है, n टू दी पावर n प्लस वन को मैंने खोल लिया, n टू दी पावर n, ये अभी जैसे ऊपर किया था आपने सारा, वैसे ही कर लिया इसको, ठीक है। अब n वाली टर्म्स जिनकी पावर n है उनको एक ब्रैकेट में ले लिया, और बाकी की बची हुई टर्म को साइड में कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर इसकी लिमिट आप लेने लगोगे ना यहाँ पर, तो लिमिट आ जाएगी जीरो, ठीक है। देखो यू एन की लिमिट लोगे तो ये वाली वन प्लस वन बाय एन टू दी पावर एन की तो ई आ जाएगी, और इधर एन को इन्फिनिटी डालोगे तो वन अपॉन इन्फिनिटी होके जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब यू एन की लिमिट अगर जीरो आ रही है तो आपका एन एथ टर्म टेस्ट फॉर डाइवर्जेंट सीरीज तो लगेगा नहीं, ठीक है ना, तो उससे तो मुझे फायदा हो नहीं रहा, तो अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने दूसरा टेस्ट कौन सा करा हुआ है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट किया हुआ है, तो मैंने इसमें सोचा कि अगर ये वन बाय एन हट जाता तो आराम से लिमिट निकल जाती और पता चल जाता मुझे, तो मैंने इस वन बाय एन को ही मैंने वी एन मान लिया, ठीक है। वैसे भी आप इफेक्टिव पावर ऑफ एन निकालोगे तो इधर से एन की पावर एन आ जाएगी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी एन की पावर एन आ जाएगी, तो वो तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ वन बाय एन। तो मेरी इफेक्टिव पावर ऑफ एन निकालने से जो वी एन मिला वो वन बाय एन मिल गया।
तो मैंने सोचा कि मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लूँ, ठीक है। तो मैंने लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन लिया। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का भी पूरा एक वीडियो बना रखा है, भूल गए तो रिवाइज कर लेना देख के, ठीक है। तो आपने इसकी लिमिट निकाली तो ये देखो वन बाय एन से कट गया, मेरे पास टर्म बच गई सिर्फ इतनी, ठीक है। इसकी लिमिट सबको निकालनी आती है, कितनी बार तो इसी लेक्चर में यूज़ कर चुके हो आप, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, वन प्लस वन बाय एन टू दी पावर एन। इसकी लिमिट कितनी होती है, ई। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, उसकी क्या कंडीशन है कि लिमिट अगर नॉन जीरो और फाइनाइट आती है तो सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। बच्चों ये टेस्ट की हर कंडीशन आपको याद जरूर रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरी लिमिट आई है ई, ई कोई भी नंबर है 2.71 समथिंग, तो मेरा आंसर नॉन जीरो और फाइनाइट आ गया। तो अगर आपकी लिमिट जो है नॉन जीरो और फाइनाइट आती है तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा यू एन एंड सिग्मा वी एन बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर, ठीक है। तो मेरी दोनों सीरीज सिग्मा यू एन और सिग्मा वी एन दोनों कन्वर्ज भी करेंगी और डाइवर्ज भी करेंगी टुगेदर। अब मुझे सिग्मा वी एन का डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि हम सिग्मा वी एन उसी को मानते हैं जिसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें मालूम होती है। तो सिग्मा वी एन मैंने क्या माना था, वन बाय एन, ठीक है ना। सिग्मा वी एन मेरा क्या है, सिग्मा वन बाय एन, यहाँ पे सिग्मा भी आएगा, ठीक है, क्योंकि वी एन मेरा वन बाय एन है। अब आपको अगर एन पी सीरीज याद हो तो वन बाय एन पी सीरीज क्या कहती है कि अगर पावर ग्रेटर देन वन है तो आपकी सीरीज कन्वर्ज करती है, और अगर पावर लेस देन इक्वल टू वन है तो सीरीज डाइवर्ज करती है। तो यहाँ मेरी एन की पावर कितनी है, वन है, तो सिग्मा वन बाय एन डाइवर्ज करेगा। तो अगर सिग्मा वन बाय एन डाइवर्ज कर रहा है तो सिग्मा यू एन भी आपका डाइवर्ज करेगा। यह आंसर आपका कब निकला, जब एक्स इक्वल टू वन था। तो मुझे पता चला एक्स इक्वल टू वन पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने से ये बात पता चली कि सिग्मा यू एन आपका डाइवर्ज करता है, ठीक है। तो बाद में कंक्लूजन लिख दीजिए, ऊपर हमने एक्स लेस देन वन पे देखा था रूट टेस्ट से कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है, एक्स ग्रेटर देन वन पे देखा रूट टेस्ट से कि सीरीज डाइवर्ज कर रही है, और एक्स इक्वल टू वन पे भी हमारा डाइवर्जेंट आ गया बाय कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है ना। तो हमने कंक्लूजन लिख दिया। तो इस तरीके से बच्चे आप कॉशी जेनेथ रूट टेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट हर वेराइटी का क्वेश्चन आपको कवर करा दिया, 10 questions करा दिए। अब ये 10 questions अगर आप एक बार रिपीट करते हैं और आपको समझ आ जाते हैं तो आप कोई भी बुक उठाएंगे उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे बेटा आप सारे कर पाओगे। मैं इसीलिए क्वेश्चंस ज़्यादा कराती हूँ यहाँ पे ताकि बच्चे की कंप्लीट प्रैक्टिस हो, और मेरे हर क्वेश्चन में अलग अलग वेराइटी होती है, अलग अलग एग्जामिनेशन पेपर्स से अलग अलग बुक से मैं लेकर बनाती हूँ क्वेश्चंस ताकि बच्चे को सारा एक्सपोजर मिल जाए हर तरीके के क्वेश्चंस का, ठीक है बच्चों। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे मेल किया करो, कमेंट बॉक्स में लिख के दिया करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों।